ये जो हानि है उसको निकाल चुके हैं। ये हाथ पर हमारा हानि है, चेहरा छुपा ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बीनता भी है, क्योंकि बीनने से फिर मुँह कान फुला देगा। ये भी बहुत डर है, क्या हानि खाएंगे, मधु का ना स्वाद मिट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। और हम चाहते हैं कि किसी भी मधुमक्खी का क्षति ना हो, इसलिए उसको भी बचाएंगे और उसको जो छाप है उसका जो मधु है उसको सिर्फ निकालेंगे, उसको बच्चा का। अभी जो मधुमक्खी है उनको पारने के लिए उसका जो जुगाड़ है वो सब रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हम लोग का जो खेती होता है सरसों का खेती, सरसों को पूरा यहाँ से निकाल लिया गया है। यहाँ ऐसा सरसों को पीट पीट कर उसका दाना निकाला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा राहर, जो अरहर कहते हैं इसको बंगला में और हिंदी में राहर कहते हैं, उसको काट कर लाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर सीमल का जो फूल है वो फूट चुका है, बहुत अच्छी तरह से देखने जैसा नज़ारा बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहर लाया गया है, लेकिन उतना पका नहीं था, फिर भी खाएंगे इसको। तो दोस्तों हम लोग ये जो मधु है मधुमक्खी उसका जो छाप दिया है उसको पारने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ी उड़ी सब लेकर देख रहे हैं ये संभव होगा कि नहीं होगा, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुमक्खी का छाप आपको दिखाई देगा, यहाँ पर यही है वो छाप का जो छाप दिया है उसको पारने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ी उड़ी सब लेकर देख रहे हैं ये संभव होगा कि नहीं होगा, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुमक्खी का छाप आपको दिखाई देगा, यहाँ पर यही है वो छाप। दोस्तों ये पेड़ पर ये मधुमक्खी का जो छाप है बहुत ऊपर है, हम कोशिश कर रहे हैं उड़ने की, उठने की। दोस्तों अभी पेड़ पर चढ़ रहे हैं ये सीढ़ी लगाकर, पेड़ पर उतना मतलब चढ़ना आसान नहीं है, रेगुलर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ये मधुमक्खी के लिए चढ़ रहे हैं। ये हानि बहुत स्वादिष्ट होता है हम लोग का, जो वसंत ऋतु का हानि है। हमारा लग रहा है चप्पल को खोलना पड़ेगा, और ये मधुमक्खी बहुत अच्छी तरह से छाप बांध चुका है, यहीं पर है छाप, ये छाप है मधुमक्खी का, चेहरा छुपा ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बीनता भी है, क्योंकि बीनने से फिर मुँह कान फुला देगा। ये भी बहुत डर है, क्या हानि खाएंगे, मधु का ना स्वाद मिट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सावधानी भी जरूरी है। और हम चाहते हैं कि किसी भी मधुमक्खी का क्षति ना हो, इसलिए उसको भी बचाएंगे और उसको जो छाप है उसका जो मधु है उसको सिर्फ निकालेंगे, उसको बच्चा का जो जगह है उसको रख देंगे, यही प्रोसेस है मधु निकालने का। तो बहुत सावधानी से, क्योंकि उसका जो बच्चे का घर है उसको सुरक्षित रखते हुए उसका जो मधु का जगह है पाठ है उसको निकालेंगे, तो कोशिश रहेगी वही, वीडियो में बने रहिए। ये जो धुआं करने वाले हैं थोड़ा उसके, क्योंकि वो लोग भाग जाए और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम धुआं कर रहे हैं, और धुआं करने के बाद उसका जो छाप है वहाँ के उस नज़दीक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि मधुमक्खी जो है सब भाग जाए और उसका जो हानि है उसको सुरक्षित तरीके से ले सकें। हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर उठने की, देख सकते हैं यहाँ पर मधु का जो छाप है ये ऐसा है, इसको किसी भी तरह हानि ना करते हुए उसका हानि निकालेंगे, और उसका कोई भी अगर पार्ट को क्षति नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका हानि को लेंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आज पहली बार मतलब जीवन का पहला एक्सपीरियंस है कि अपने हाथों से मधुमक्खी का जो छाप होता है वहाँ से मधु निकालना। देख सकते हैं मेरा हालत,
हम अभी पेड़ के ऊपर हैं और यहाँ से अभी हानि निकालने वाले हैं, आपको दिखाएंगे इसका नज़ारा। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने इन सब महाराज हाजिर हैं और हम उसके नज़दीक हाजिर हैं। ये जो हानि है उसको निकाल चुके हैं, ये हाथ पर हमारा हानि है दोस्तों, अभी ये जो हानि है उसको निकाल चुके हैं और देखेंगे कितना हानि निकल रहा है। वीडियो में बने रहिए। हमारा अभी जो कुली है वो पूरा सन्नाटा हो चुका है, यहीं पर कोई भी आदमी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक दो आदमी दिखाई दे रहा है। तो हम अभी घर की ओर जा रहे हैं और अभी कद्दू खाने के बाद बहुत ही नींद सा आने लगा है। तो गाइस हम अभी घर आ चुके हैं और अभी जाएंगे नहाने के लिए और आपको दिखाए कैसे शहद निकालते हैं पेड़ से, वो वाला व्यू बहुत अच्छा लगा खाने में। शहद वो वाला वीडियो बनाए थे लेकिन दूसरों को दिए थे कैमरा पकड़ने के लिए, उसे दूसरा साइड से पकड़ लिया और वो जो शहद खा रहे थे वो वाला वीडियो मिस हो गया। तो चलिए अब नहाने जाएंगे। हाँ तो दोस्तों हम अभी नहाने पहुँच गए हमारे कुआँ पर और देख सकते हैं बाल कितना बढ़ गया है, इसको कटाना पड़ेगा, टाइम भी नहीं मिलता है काम कम में। तो गाइस आपको हमारे ये शहद निकालने का जो तरीका था वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल में नए हो तो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि सबसे आगे सब वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए और देर ना करते हुए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग पर।